बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 144 पर राष्ट्रीय जनता दल, 70 पर कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। महागठबंधन के नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की जानकारी दी। इसमें महागठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि RJD, कांग्रेस, CPIML, CPIM, CPI और VIP महागठबंधन का हिस्सा है। वहीं सीट शेयरिंग की बात करें तो CPI के खाते में 6 सीट, CPIM के खाते में 4 और CPIML को 19 सीटें मिली हैं। बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में VIP और JMM की सीटों के बारे में RJD ऐलान कर सकती है। VIP को RJD को अपने कोटे से सीट देनी थी, लेकिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होते ही घमासान शुरू हो गया, जिसके बाद VIP सुप्रीमो मुकेश साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश साहनी ने कहा कि जो हमारे साथ अभी हो रहा है वह कहीं ना कहीं बैकस्टैबिंग है। मैं इस गठबंधन से बाहर जा रहा हूँ और कल मीडिया को संबोधित करूँगा। बता दें कि VIP 25 सीटों की मांग कर रही थी। माना जा रहा है कि जैसे ही महागठबंधन और NDA में सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का विवाद सुलझेगा, वैसे ही नामांकन की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। NDA में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है और LJP अध्यक्ष चिराग पासवान की वजह से मामला अटका पड़ा है। पहले चरण के चुनाव में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है। राज्य के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ गठबंधन की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार चौथी बार राज्य की सत्ता में वापस आने को लेकर काफी उत्सुक हैं। वहीं लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्षी महागठबंधन कोरोना वायरस, प्रवासी मजदूरों का संकट, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बाढ़ और किसानों की जर्जर हालत जैसे मुद्दों पर नीतीश सरकार को फेल बताकर सत्ता की चाबी पाने को बेकरार है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में सीट बंटवारे का यह गणित कहां जाकर रुकेगा। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल TV9 भारतवर्ष से। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,